नमस्कार, मैं पीयूष शर्मा, आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज़ स्टेशन। अब बात करते हैं साप्ताहिक की। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का देश भर में हिंसक विरोध हो रहा है। बिहार से निकली चिंगारी पूरे देश में फैल गई है। वहीं इसको लेकर बीजेपी और जेडीयू भी आमने सामने हो गई है। शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बिहार सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि सिर्फ भाजपा को टारगेट किया जा रहा है, इसे जल्द रोका जाए, नहीं तो फिर किसी के लिए ठीक नहीं होगा। देखिए, विरोध करने का हक किसी को भी है, विरोध करने में कोई बुराई नहीं है, हम सब अलग अलग दल के हैं, लेकिन इस तरह से प्रशासन के द्वारा व्यक्तियों को टारगेट करना, प्रशासन के द्वारा एक खास पार्टी के दफ्तरों को जलाने करना, और 300 मधेपुरा में जो हुआ है 300 पुलिस दर्शक बन करके बैठी हुई है, क्या पुलिस पे कार्रवाई हो रही है? तो ये हम लोग शासन के हिस्सा हैं, और इस तरह से जो कहीं हिंदुस्तान में नहीं हो रहा वह बिहार में हो रहा है, यह बहुत गलत है। और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर मैं बिल्कुल इसका विरोध करता हूं, और इस तरह की घटनाएं हर हालत में अगर नहीं रोकी गई तो यह किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। जायसवाल के इस बयान पर जेडीयू भड़क गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि सीएम नीतीश कुमार सरकार चलाना जानते हैं। संजय जायसवाल मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, अच्छा होगा कि वो युवाओं को समझाएं। वहीं जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि संजय जायसवाल की बातों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। हर घर में एक ऐसा आदमी होता है जो कुछ भी बोलता है। प्रशासन अपना काम ठीक तरीके से कर रहा है। जिन्होंने लगाई आग उन्हीं से करेंगे वसूली। उत्तर प्रदेश में अग्निपथ स्कीम को लेकर तोड़फोड़, आगजनी और उपद्रव करने वालों की सूची तैयार की जा रही है। हिंसा में जिन जिन उपद्रवों के नाम सामने आए हैं उनकी सूची भारतीय सेना कार्यालय को भेजी जा रही है। जिले के बोर्ड पर भी सख्ती कर दी है। वाराणसी के डीएम कौशल राज शर्मा ने बताया कि तोड़फोड़ में हुए नुकसान की भरपाई गिरफ्तार किए गए 27 प्रदर्शनकारियों से की जाएगी। 17 जून को वाराणसी में उपद्रवियों ने 36 बसों में तोड़फोड़ की थी, इसमें करीब 13 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। डीएम कौशल राज शर्मा ने कहा कि परिवहन निगम वाराणसी क्षेत्र और वाराणसी सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड की कुल 36 बसों में 21 बसें कैंट और 15 बसें वर्कशॉप में थी। हिंसा के दौरान करीब 150 उपद्रवी पथराव, डंडों से वार करते हुए बसों के शीशे, हेडलाइट और सीट क्षतिग्रस्त कर दिए थे। 27 उपद्रवियों के नाम फोटो, वीडियो, एविडेंस सहित तैयार कराकर सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की वसूली के लिए गठित दावा प्राधिकरण प्रयागराज को भेज दिया गया है। बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू को बनाया अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार। राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले एनडीए ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। झारखंड की पूर्व राज्यपाल, ओडिशा की पूर्व मंत्री और बीजेपी की पूर्व नेता द्रौपदी मुर्मू का देश का अगला राष्ट्रपति बनना तय माना जा रहा है। उनके नाम के ऐलान के साथ ही बीजेपी ने अपने आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अपने आगे की रणनीति स्पष्ट कर दी है। राष्ट्रपति चुनाव के अंकगणित में बीजेपी और एनडीए का पलड़ा भारी है। ऐसी परिस्थिति में द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है। ऐसे में आइए जान समझते हैं कि द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनने से बीजेपी को क्या फायदा हो सकता है। आदिवासी समुदाय से आने वाली महिला उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए आगे कर बीजेपी ने विपक्ष के सामने बहुत बड़ी चुनौती पेश कर दी है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक देश के आदिवासी समुदाय और महिलाओं के बीच अपनी पैठ को मजबूत करने में जुटी बीजेपी को इस फैसले से पूर्वी भारत के लिए राज्यों में भी अपनी जड़ें मजबूत करने की मदद मिलेगी। द्रौपदी ओडिशा की रहने वाली है, ऐसे में ओडिशा की राजनीति में उनका सीधा और असरदार दखल रहेगा। अग्निपथ योजना के विरोध में उतरे राकेश टिकैत। सरकार अग्निपथ योजना को लेकर बिहार, यूपी समेत 7 राज्यों में बवाल मचा हुआ है। इस बीच कथित किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बड़ा ऐलान किया है। टिकैत ने सरकार पर युवाओं के साथ भद्दा मजाक करने का आरोप लगाया। शनिवार 18 जून 2022 को उत्तराखंड के हरिद्वार में आक्रोश रैली निकाली थी उन्होंने। टिकैत के पैदल मार्च में किसान के साथ ही भारी संख्या में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता और नेता शामिल रहे थे। आपको बता दें कि मार्च के दौरान बीकेयू किसान नेता सरकार से अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग करते हुए नारेबाजी की थी। उल्लेखनीय है कि हरिद्वार में चल रहे किसान महाकुंभ का शनिवार को 3रा दिन है। इस मौके पर राकेश टिकैत ने कहा कि 30 जून को भारतीय किसान यूनियन देश भर के राज्यों में जिला मुख्यालयों के बाहर प्रदर्शन करेगी। सिद्धू का नया गाना आते ही विवादों में। पंजाबी सिंगर और रैपर सिद्धू मूसेवाले की हत्या के 26 दिन बाद उनका नया गाना रिलीज हुआ है।
हरियाणा पंजाब के बीच विवादित SYL नहर के मुद्दे पर मूसेवाला का यह सॉन्ग गुरुवार शाम 6 बजे रिलीज हुआ था। 4 मिनट 9 सेकंड के इस गाने को अब तक 2 करोड़ लोग देख चुके हैं। इस गाने में पंजाब के अधिकारों की बात की गई है, साथ ही उनकी भी, जिन्हें इसका विरोध करने चलते झूठे केसों में फंसाकर जेल में बंद कर दिया गया था। बता दें कि मूसेवाला की बीती 29 मई को पंजाब के मानसा में गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। उसकी हत्या की जिम्मेदारी कथित तौर पर गैंगस्टर लॉरेंस ने ली थी। सिद्धू मूसेवाला अपने हर गाने में लोगों को कुछ मैसेज देते थे। दूसरे पंजाबी सिंगर से अलग उनकी अपनी एक फैन फॉलोइंग थी। इस बार भी उन्होंने पंजाब हरियाणा के बीच बहुचर्चित सतलुज यमुना लिंक नहर को लेकर दशकों से चल रहे विवाद पर गाना बनाया था। अपने सॉन्ग में सिद्धू ने इस पूरे विवाद के बारे में लोगों को बताया है। सिद्धू के इस गाने की शुरुआत में बैकग्राउंड में आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता का बयान चलता है, जिसमें वह 2024 में पंजाब की तरह हरियाणा में भी अपनी पार्टी की सरकार बनने पर हरियाणा को SYL का पानी दिलाने की बात कर रहे हैं। शिवसेना के 16 बागी MLA को जारी होगा नोटिस। महाराष्ट्र में CM उद्धव ठाकरे को अपनी सरकार बचाने को लेकर संघर्ष करना पड़ रहा है। पिछले 3 दिनों की तरह राज्य में शुक्रवार को भी वार्ता का दौर जारी रहा। CM उद्धव ठाकरे ने सेना भवन में शिव सैनिकों से बात की तो आदित्य ठाकरे ने जिला स्तर के पार्टी के पदाधिकारियों को संबोधित किया था। इसके बाद शरद पवार समेत NCP के शीर्ष नेताओं ने आगे की रणनीति पर बैठक की। शाम होते होते विधानसभा सचिवालय में शिवसेना के 16 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने की अपील पर मंथन हुआ था। आज शिवसेना अपने सभी राष्ट्रीय कार्यकारिणियों की बैठक को बुला लिया है। आदित्य ठाकरे भी युवा नेताओं की सभा को संबोधित करेंगे। वहीं BJP नेता व पूर्व CM देवेंद्र फडणवीस केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के साथ राज्य में मौजूद हालात पर चर्चा करेंगे। शिवसेना ने डिप्टी स्पीकर को पत्र लिखकर बागी हुए 16 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। इस पर विधानसभा सचिवालय में महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोनी के साथ बैठक भी हुई थी। इसमें अरविंद सावंत, अनिल देसाई मौजूद रहे थे। फिलहाल साप्ताहिक में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट डे न्यूज़ नेशन।